दून प्रेपी स्कूल के 14 छात्र सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की मेघा सूची में हो गए हैं शामिल। अखिल भारतीय स्तर पर हुए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूर्व के भांति ही इस वर्ष भी दून प्रेप स्कूल के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित हुई मेघा सूची में 14 छात्रों का मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है। यह सफलता इस मायने में और भी प्रशंसनीय है क्योंकि ये परिणाम कोरोना जैसे महामारी के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी प्राप्त हुआ है। सफल परीक्षार्थियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार द्वारा सम्मानित भी किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सफल छात्रों में उत्कर्ष कुमार सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए चयनित हुए हैं। सार्थक आर्यन ये भी सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए चयनित हुए हैं। वहीं युवराज कुशवाहा सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए चयनित हुए हैं। मिहिर कुमार सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए, अभिज्ञान सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए चयनित हुए हैं। ऋषित सिंह सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए, तो अमृत शर्मा सैनिक स्कूल मैनपुरी और उत्सव राज सैनिक स्कूल मैनपुरी, श्रीजा कुमारी सैनिक स्कूल मैनपुरी, आरुष राज सैनिक स्कूल झांसी के लिए चयनित हुए हैं। वहीं निखिल कुमार सैनिक स्कूल अमेठी के लिए, आदर्श कुमार सैनिक स्कूल अमेठी के लिए और जयकृत सिंह सैनिक स्कूल मणिपुर के लिए, कृतज्ञ सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए चयनित हुए हैं। बता दें कि स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि बच्चों के द्वारा की गई कठिन परिश्रम का यह परिणाम है और शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन का यह परिणाम है। ये अभूतपूर्व सफलता है। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन की अवधि में भी विद्यालय द्वारा नियमित टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता रहा ताकि बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूर्णतः तैयार हो सके। निदेशक और प्राचार्य ने सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना किया। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही देश के भविष्य हैं। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि सफल छात्र भविष्य में अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लेंगे और एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी सैकड़ों छात्रों का चयन देश के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालय में हुआ है। माई नेम इज़ आदर्श कुमार। माई नेम इज़ आदर्श कुमार। माई फादर्स नेम इज जितेंद्र शाह। माई मदर्स नेम इज श्रीमती संध्या देवी। आई लिव इन सिवान लक्ष्मीपुर आंध्र ढाला। आई क्रैक्ड सैनिक स्कूल अमेठी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज ऋषि सिंह फ्रॉम क्लास फिफ्थ एट दून प्रेप स्कूल सिवान। इट इज़ सिचुएटेड इन कनिष्क विहार सिवान बिहार। आई हैव क्रैक्ड सैनिक स्कूल मैनपुरी। इट वॉज हार्ड बट आई फाइनली गॉट माई रिजल्ट एंड माई पेरेंट्स टीचर्स एंड everyone helped me to get my success and I am thanking everyone to help in my hello friends, my name is Seja. My father's name, I am from class 6. My father's name is Dr. Shukumar and my mother's name is Dipshikha and I cracked the exam of Sainik School Manpuri. Manpuri, I am from Baharia Road Sivan, Doctor's Colony. Good morning everyone, I got a golden chance for saying some things. My name is Yuvraj Kumar. I am 10 years old. My father's name is Mr. Brajesh Kumar. My mother's name is Mrs. Samita Devi. I cracked the Sainik School in Bijapur. Thank you, have a nice day. और मैं बोल रहा हूँ जयकृत सिंह, कनिष्क विहार सिवान दून प्रेप स्कूल से। मैं सैनिक स्कूल क्रैक किया हूँ, वो भी इम्फाल का, और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। ये सब जाता है मेरे प्रिंसिपल टी के मिश्रा सर और ये मेरे पेरेंट्स के भी 100% इसमें अपॉर्चुनिटी है और ये गोल्डन चांस मुझे मिला है बोलने के लिए यहाँ पे। और मेरे पापा का नाम श्री जय प्रकाश सिंह है और मेरी माता का नाम श्रीमती अनुराग देवी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अमृत राज। आई एम स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 एट डून प्रेप स्कूल कनिष्क विहार सिवान। माय फादर नेम इज़ Mr. Hirdya Sharma. My mother name is Meena Sharma. I cracked the Sainik School Manpuri. I live in Panlagar Fatehpur Sivan. Thank you. Good morning friends, today I got a golden opportunity to say something about my self introduction.
So, my name is Avigyan. I read in class 5 at Doon Prep School, which is in Sivan, which is 38 district, which is one of the 38 district of Bihar. My father's name is Rajiv Kumar Singh. He is a teacher. My mother's name is Monica Singh. She is also a teacher. My father is very happy on my result. I have cracked Sainik School Manpuri and also topped in the home state of it. Thanks. Good morning, everyone. My name is Usha Raj. I am student of class 5th in Doon Prep School. My father's name is Mr. Arun Kumar. He is a teacher. My mother's name is Mrs. Asha Devi. She is a good housewife. I have cracked the Sainik School Manpuri. I hold prepared the Sainik School, all teachers, parents and also principal sir. I am 11 years old. I have 3 brothers. My family is very happy because of Doon Prep School. I am very happy because I am going to the Sainik School. Thank you. My name is Nikhil Kumar and I have a golden opportunity to introduce myself. My father's name is Mr. Kameshwar Prasad and he will take a lot of struggle for me to I complete the Sainik School Amethi and I now I am completed it and I crack the Sainik School Amethi and बच्चों ने अच्छा किया है क्या कहेंगे सबको मेरी तरफ से शुभकामना है और शिक्षक भी जो यहाँ हैं वो मन लगाकर बच्चों को इस योग बनाए ताकि वो कंप्लीट कर सकें उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ विगत कई वर्षों से धूम प्रेप स्कूल ने इस तरह का कार्य किया है कि देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों में यहाँ के बच्चे आगे निकल रहे हैं इन्हें आप जैसे अधिकारियों के प्रोत्साहन की आवश्यकता है सहयोग की आवश्यकता है हम लोग का सहयोग बराबर मिलता रहेगा हम लोग हम अपने तरफ से सबको आगे बढ़ने की शुभकामना देते हैं बच्चे मन लगा कर पढ़ें इस संस्थान में और यहाँ के शिक्षक भी बच्चों को हर समय प्रोत्साहित करते हैं क्या कहेंगे सर जी बच्चों को मेरे तरफ से शुभकामना और आगे बढ़े और अच्छा से अच्छा इंडिया के रिप्यूटेड स्कूल में एडमिशन हुआ है उसमें अच्छा से अच्छा बेहतर प्रदर्शन करे जैसे NDA हुआ नीट का सब प्रिपरेशन अच्छे से वहाँ जाकर करे और मेरे तरफ से हर शुभकामना है डीओ साहब आज हम सभी के बीच में हैं क्या कहेंगे कुछ आपकी मांग हो या इन बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में क्या आवश्यकता है सर हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं और उसी मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और बच्चों को भी आगे बढ़ाते रहते हैं प्रोत्साहित करते रहते हैं इन बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से इन बच्चों की शुभकामनाएं हैं कि और बेहतर से बेहतर वहां जाकर सैनिक स्कूल इंडिया के टॉप 10 स्कूल है उसमें जाकर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें कोरोना से अब देश बाहर निकल गया है शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी अब धीरे धीरे बच्चे को तो कोरोना के मार से काफ़ी नुकसान हुई है पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हुई है लेकिन बच्चे अपना ऑनलाइन क्लासेस करके और अपने ऑनलाइन क्लासेस करके और अपना स्टडी पूरा किए और निरंतर टेस्ट सीरीज चलते रहा और टेस्ट सीरीज के चलते ही लोग सफलता हासिल किए